कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है जो 3 मई तक जारी रहेगा। लेकिन इस लॉकडाउन में आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए इसमें नियमानुसार कुछ छूट भी दी गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य शासन को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले हॉटस्पॉट्स के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ में संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए 3 जोन में बांटा गया है। राज्य में कोरबा जिले को अति संवेदनशील बताकर रेड जोन में रखा गया है। इस जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा, जबकि ऑरेंज जोन में शामिल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में मामूली रियायत दी गई है। राहत भरी बात ग्रीन जोन में शामिल 23 जिलों के लिए है। यदि हम राजधानी रायपुर की बात करें तो 20 अप्रैल के बाद से ही शहर में हलचल देखी जा रही है। वहीं आज शहर के सभी चौक चौराहों पर सिग्नल को चालू कर दिया गया है। सड़कों पर सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक होने वाली आवाजाही को देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की अवधि पूरी तरह से समाप्त हो गई है। लोग पहले की ही तरह अपने दिनचर्या में दिखाई देने लगे हैं। पुलिस के चेकिंग पॉइंट पर भी पुलिस केवल सड़कों की आवाजाही पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन किसी को रोककर जांच नहीं कर रही है। यही कारण है कि लोग बेरोक टोक आसानी से शहर में घूमते भी नज़र आने लगे हैं। आमजनों की ज़रूरत के हिसाब से लगभग सारी दुकानें खुली हुई हैं। राजधानी में सब्जी बाजार और किराना दुकान के अलावा अब इलेक्ट्रिकल शॉप, चश्मा दुकान, ऑटोमोबाइल की दुकान के साथ ही गाड़ी पंचर बनाने वाले एवं गाड़ी मैकेनिक की दुकानें खुलने लगी है। सभी दुकानों में भी पहले की तरह ही भीड़ भी है, यानी अब लोग 1 महीने बाद घर से निकलकर अपने काम के रूटीन में आ गए हैं। शहर में मिली छूट को लेकर यातायात विभाग के DSP सतीश ठाकुर ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि शासन के नियमों के अनुसार लोगों को आवाजाही में छूट मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए मास्क पहनकर ही लोग घर से बाहर निकलेंगे। साथ ही यातायात के नियमों का पालन भी पहले की तरह वाहन चालकों को करना होगा। नियमों की अवहेलना करने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई किया जा रहा है। साथ ही वाहनों को भी जब्त किए जाने की बात ट्रैफिक DSP ने कही है। आज से लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है, जिससे कुछ सुविधाओं चालू की गई है, जिससे सड़कों पर भीड़ बढ़ी है, वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो गई है। तो आज से हम लोगों ने प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक सिग्नल को भी चालू कर दिया है और हर सिग्नल में ड्यूटी भी लगाया गया है कि ताकि लोग नियमों का पालन करें, स्टॉप लाइन का पालन करें, हेलमेट पहन के वाहन चलाएं, 2 सवारी 2 पहिए में न चलें और 4 पहिए में 2 सवारी बैठे किंतु आगे बैठे और 1 पीछे बैठे। इन नियमों का पालन हम लोग करा रहे हैं और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है उस पर हम लोग फाइन भी कर रहे हैं, उनके वाहनों को जब्त भी कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन को भी पालन हो और जो व्यक्ति निकले हैं वो नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से जो लॉकडाउन की जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन हो सके। नहीं, कड़ाई हम लोग जो टाइम पीरियड दिया गया है रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक उस पीरियड में लोग अपने घरों से निकले और अपने जो जरूरी काम है उसको निपटाएं और वापस जाएं तो जो लॉकडाउन का समय छूट दी गई है उसके बाद जो निकलता है तो उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके वाहनों को जब्त भी करेंगे और नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। इधर सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही इन चीज़ों की अनुमति होगी, अन्यथा सरकार फिर कड़ाई कर सकती है। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DESH TV। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू डी अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। DESH TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।